वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको इतनी जबरदस्त खवातीन से मुलाकात भी आपके करवारों से मिलवा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आजकल की खवातीन जितनी स्ट्रांग है उतनी एफिशिएंट भी हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, और बहुत बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज की जो हमारी मेहमान है जनाब, फिजा फरहान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की मेंबर भी रही हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, पैनल की मेंबर रही हैं, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर भी हैं, एडवाइजर भी हैं। वेलकम टू द शो फिजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आपके शो में आके। मुझे भी आपको, बिकॉज हम ऑफ़ अभी शो शुरू होने से पहले मैं और फिजा इतनी जबरदस्त डिस्कशन कर रहे थे, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने कहा अभी हम चुप कर जाते हैं इससे पहले कि हम मजीद किसी लंबी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अच्छा फिजा, हम आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट करें, डिस्कशन का आगाज किस मैसेज से करें? वेल आई थिंक मैसेज ये होना चाहिए कि सारी खवातीन के लिए कि वो अपनी अपने ऊपर बिलीव करके तो अपनी जिंदगी जिंदगियों के साथ कुछ ना कुछ अचीव करें, अपने पोटेंशियल को अचीव करें। हम लोग बहुत जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, जो हमारे आसपास कल्चरल बैरियर्स हैं, उसमें हम आई थिंक धस के अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको खो देते हैं। यू नो वी ट्राई कि हम बहुत अच्छी बीवियाँ बने, बहुत अच्छी बहुएँ बने, बहुत अच्छी बेटियाँ बने, सारे कल्चरल रोल्स विच आर फैंटास्टिक, लेकिन उसके साथ साथ हर औरत के अंदर अपना एक हुनर है, अपना एक टैलेंट है, अपनी कैपेबिलिटी है। तो उसको ज़रूर इस वुमेंस डे पे सब वादा कर लें अपने साथ कि हमारा जो भी टैलेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक कॉर्पोरेट टाइकून बन जाएं या आप एक ग्लोबल लीडर बन जाएं, आपको जो भी स्किल है आपके अंदर, हर इंसान के अंदर है, आप उसको पहचानें, उसको पहचानें, उसके साथ अलाइन करें, उसको अपनी पीक पे लेके जाएं, ताकि आप अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकें जो आप डिजर्व करते हैं, जो सक्सेस आप डिजर्व करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, आप यूनाइटेड नेशंस की मेंबर भी रही हैं, इस हवाले से क्या लगता है आजकल की खातून जो है या औरत जो है कितनी एम्पावर्ड? वेल ओके, सो यू बी सरप्राइज्ड कि हम लोग एक तरफ दो चीज़ें हैं चल रही हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि खवातीन एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन रियलिटी उसके बरक्स है। बहुत एक बड़ा सेगमेंट है हमारी कॉम का जो जिसमें औरतें बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, दे हैव द राइट टू दे, वो मतलब दे आर गेटिंग एजुकेटेड, वो काम भी कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है जब वो काम के अंदर एंटर कर जाती हैं वर्कफोर्स के अंदर, लेकिन लीडरशिप में जाते जाते कहीं ना कहीं खो देती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप पाकिस्तान के भी स्टेटिस्टिक्स देखें तो 2% ऑफ द सीईओस ग्लोबली आर वुमेन। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं मैं करी, ग्लोबली सिर्फ 2% सीईओस औरतें हैं। वर्कफोर्स के अंदर 60-70% जाती हैं, ऐसा फिल्टर करते करते वो 2% तक कब चली जाती है बात तो पता नहीं चलता। तो औरतें बहुत एम्पावर होती हैं व्हाइल दे कम टू द वर्कफोर्स। एजुकेशन में भी हमारी पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, 50% हमारी जो यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं वो औरतें हैं, मेडिकल कॉलेजेस में 60-70% औरतें हैं, लेकिन टू द टॉप का जो ये जो जर्नी है ना टिल द टॉप, उसमें कहीं ना कहीं औरतें खो जाती हैं, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कल्चरल रीजंस भी हैं, पर्सनल रीजंस होते हैं, फैमिली प्रेशर्स, चाइल्ड बेयरिंग एज आ जाती है जब औरतों के बच्चे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जिस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये जो एम्पावरमेंट की ट्रैजेक्टरी है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, अभी आपने सोशल बैरियर्स की बात की फिजा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खवातीन अचीव करना चाहती हैं, फोकस्ड होती हैं, गोल सेट होते हैं। हम अगर मेडिकल की डिग्री को देख लें, बहुत सारी लड़कियाँ डॉक्टर बनती हैं, लेकिन एट द एंड वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी रेशो इतनी कम हो जाती है, और फिर कहीं ना कहीं हम उस फेस को निकल नहीं पाते हैं, चाहे वो एम्पावर करने की बात हो या खवातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो, कहीं ना कहीं लैक तो हम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि अब मेरे लिए खुद ये सरप्राइज है अब, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन दिस एजेंडा और मैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज, डेवलपमेंट बॉडीज को एडवाइस कर रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, तो फैक्ट सामने आते हैं, और जैसे जैसे फैक्ट सामने आते हैं वैसे वैसे मुझे लगता है यार ये तो मसला और भी गंभीर है। यू नो आपको लगता है कि आपने ये चीज़ हल कर दी, लेकिन नहीं, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई। यू टॉकिंग अबाउट वुमेन विच इज 50% ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो अगर 6 बिलियन लोग हैं तो आप 3 बिलियन लोगों की बातें कर रहे हो, तो मुझे वही लोग कहते हैं कि आपने ये चीज़, ये मसला है जो गांव की औरत है उसके अलग मसले हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट के अलग मसले हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में औरतों के अलग मसले हैं, पॉलिटिकल राइट्स अलग हैं, सोशल अलग हैं। तो आई ऑलवेज से कि आई वांट टू फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट, कि जो चीज़ में आराम से अचीव, मतलब जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये पॉसिबल है नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव करके इसमें कोई इम्पैक्टफुल रिजल्ट लाया जा सकता है, तो उसके ऊपर पहले फोकस करते हैं, फिर और वो निकालते हैं रूट कॉजेस, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत डीप डाउन है। अब यूनिवर्सिटीज़ की आप अगर बात करो तो 70%, जैसे आपने कहा, मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स औरतें हैं, उनमें से सिर्फ 10-15% आर एक्चुअली गोइंग टू द वर्कफोर्स। अब ये लॉस ना सिर्फ उन 60% खवातीन का है जो कि काम में नहीं एंटर कर रही फॉर्मली, बल्कि पाकिस्तान का है,
बिकॉज यू हैव दिस टैलेंट जो घर बैठा हुआ है. बिल्कुल. शादियाँ करके बच्चे करके घर बैठे हुए उस और वहाँ पे मरीजों के पास डॉक्टर्स नहीं है. तो आपको इस टैलेंट को कनेक्ट करना है उन मरीजों के साथ. अब इस चैलेंज को करने के लिए ओवरकम डिजिटल मींस भी यूज हो रहे हैं और कुछ इनोवेशन भी आ रही है. एक कंपनी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई डॉक्टर्स एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो डॉक्टर्स घर पे बैठी हुई हैं खवातीन हु डिड नॉट परस्यू अ फॉर्मल करियर और वो अब घर पे बच्चे संभाल रही हैं तो दे आर कनेक्टेड वाया स्काइप सेशंस टू गाँव के जो मरीज हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की सहूलत नहीं है तो उनको मरीज मिल गए उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गई एंड दे गेट कनेक्टेड थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो अब इस तरह की इनोवेशन हो रही हैं इस तरह के सोल्यूशंस निकल रहे हैं इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए लेकिन अभी भी देर सो मेनी चैलेंजेस आउट देयर कि वन स्टेप एट अ टाइम हम आगे जा सकते हैं इस डिबेट में. अच्छा आपको लेकर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फिजा हम बात कर रहे थे अभी खवातीन के लिए अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें या इंटरनेशनली बात करें इक्वल अपॉर्चुनिटीज के उसको आप कहाँ देखती हैं. वेल पाकिस्तान की बात भी कर लें और अच्छा मुझे पहले लगता था कि ये हमारे अपने इश्यूज हैं मुझे लगता था ये सिर्फ पाकिस्तान के इश्यूज हैं या साउथ एशिया के इश्यूज हैं या हमारे हमारे रीजन के इश्यूज हैं. जैसे जैसे मेरा अपना पर्सपेक्टिव बढ़ता गया रीजनल हुआ फिर ग्लोबल हुआ यूएन सेक्रेटरी जनरल के हाई लेवल पैनल पर काम करके हमने सारी यूएन मेंबर्स कंट्रीज को एनालाइज किया तो ये सारे इश्यूज ग्लोबल हैं. पहली बात जो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मसला है वो यूके में भी है वो अमेरिका में भी है वो यूरोप में भी है इनफैक्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेहतरी भी है इन टर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एक्सेप्टेंस. फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर फॉर मुस्लिम कंट्री टू बिगिन विद मोहतरमा बेनज़ीर ये चीज अभी तक वेस्ट ने एक्सेप्ट नहीं की अभी अपने यूएस इलेक्शन देखे सो पाकिस्तान काफी जगहों में आगे भी है एज फार एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न्ड. लेकिन अब इसमें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आप डिमांड साइड की बात करें और आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मैंडेट लगा के आप डिमांड क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम सप्लाई साइड की भी आती है क्योंकि हमारे पास वो खवातीन है ही नहीं पूल नहीं है जो उस डिमांड को पूरा कर सके. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल कि पिछले दो सालों में आई वॉज द चेयरपर्सन टू चीफ मिनिस्टर पंजाब टास्क फोर्स ऑन वुमन एम्पावरमेंट एज वेल. तो उसमें हमने एक फेयर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जिसमें हर गवर्नमेंट के बोर्ड पे 33% फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. अब पॉलिसी पास करना तो आसान काम है पॉलिसी पास कर दी लॉ लगा दिया इम्प्लीमेंट कराने में भी डिमांड क्रिएट हो गई लेकिन सप्लाई वो खवातीन कहाँ से ढूंढे जो 33% बोर्ड को पूरा करेंगे. यू नो सो इट्स अ मैटर और जो लोग अब एजुकेटेड हैं जो लोग कॉम्पिटेंस रखते हैं वो घर में बैठ गए तो अब उनको बाहर निकालो उनको प्रोफेशनल स्किल्स दो ताकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आ सकें और फिर ये सप्लाई डिमांड के गैप को पूरा करो. अच्छा तो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट का भी तो प्रॉब्लम है. एब्सोल्युटली है लेवल सोसाइटी में उस हद तक नहीं आया. हम जरूर बात भी करते हैं दावे भी करते हैं कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना है इक्वल अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट में अभी भी प्रॉब्लम है. बिल्कुल है बिल्कुल है और ये मैं कहना चाहूंगी कि माइंड सेट में सिर्फ मर्दों की नहीं प्रॉब्लम औरतों के माइंड सेट में एब्सोल्युटली. और मैं हमेशा अब आई गो अ लॉट टू यूनिवर्सिटीज फॉर इंस्पिरेशनल सेशंस एंड टॉक्स बिकॉज आई फील कि मेरे ज़माने में मुझे ये मौका नहीं मिला था कि मैं यू नो औरतें जो ऑलरेडी काम कर रही हैं जो ग्लास सीलिंग्स ब्रेक कर चुकी हैं उनसे बात कर सकूं तो आई फील लाइक गोइंग बैक टू स्टूडेंट्स एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस. तो ये औरतों के माइंड सेट में भी प्रॉब्लम है कि अगर हम एक अच्छी बीवी हैं अगर हम एक अच्छी बहू हैं अगर हम एक अच्छी बेटी हैं अच्छी माँ हैं तो हम काम नहीं कर सकते. यू कैन बैलेंस थिंग्स ऑफ अल्लाह ने हमें इतनी कुव्वत इतनी सलाहियत दी हुई है कि हम एक ही वक्त में अच्छा लोगों को बच्चों बच्चियों को ग्रेजुएट्स को जब मैं उनसे अक्सर बात करती हूँ उनको लगता है कि ये एक ट्रेड ऑफ है आइदर यू कैन बी सक्सेसफुल करियर वुमन और आप एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकते हो. आप दोनों कर सकते हो एक 24 घंटों के दिन में बहुत टाइम होता है. मेरी अभी खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पहले बेटी हुई है अल्लाह का शुक्र एंड आई एम मैरिड यू नो एंड आई एम वर्किंग. तो यू हैव इनफ टाइम इन अ डे कि आप सब कुछ पूरा कर सकते हो. यू डोंट इट्स नॉट अ चॉइस ये नहीं कि आपने एक चीज चूज कर ली तो आपको दूसरी को छोड़ना पड़ेगा. माइंडसेट बदलने की जरूरत है ना सिर्फ मर्दों के बल्कि औरतों के भी और उनको भी ये बात समझने की जरूरत है कि वो सब कुछ कर सकते हैं अपने ऊपर भरोसा रखें और बाहर निकलें. ठीक फिजा आपने भी बहुत सारा काम भी किया आप जैसे बता रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एज एडवाइजर भी काम कर रहे हो और खवातीन एम्पावरमेंट के हवाले से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत स्ट्रगल भी आपने किया इस हवाले से कि लोगों में अवेयरनेस आए.
अभी स्टिल हम अभी भी माशी तौर पर देखें तो खवातीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इकोनॉमिक सेटअप में, बट स्टिल जो वेजेस और उस वक्त का मामला है, स्टिल हम उसको अभी तक नहीं कर पाए. किस चीज को? जो वेजेस या उनको उजरत मिलती है उनके काम के हवाले से, उस पे अभी तक नहीं कर पाए. बिल्कुल 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 बिल्कुल. और अगेन ये इशू भी पाकिस्तान का नहीं है, ये इशू भी ग्लोबल है. ग्लोबल है. और अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें तो पाकिस्तान कुछ हद तक बेहतर है, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, MNCs और लोकल प्राइवेट सेक्टर, उसमें एक्चुअली अब एक इंसेंटिव ड्राइव चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा औरतों को इंडक्ट किया जाए. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो सारी इंसेंटिव ड्राइव या ये जो एकदम से प्राइवेट सेक्टर में औरतों को ज्यादा तरजीह देने का या 50-50 का जो एक शुरू हुई ये मूवमेंट, ये सिर्फ इसलिए नहीं हुई भी कि एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ है, एक सोशल कॉज है, ये एक्चुअली कमर्शियल बेसिस के ऊपर शुरू हुई है. अभी रिसेंटली मैकिन्ज़ी ने एक पूरी रिसर्च की है टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज की, और उन्होंने रिसर्च के तहत स्टैट्स और एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ये बात प्रूव की है कि जिन इदारों में औरतें ज़्यादा हैं और या इक्वल हैं टू मेन, स्पेशली एट द सीनियर लेवल, उनके प्रॉफिटेबिलिटी और IRR 26% ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे औरतें इतनी हाईली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं. तो ये बात ग्लोबली इस्टेब्लिश हो गई है कि औरतों के एम्पावरमेंट पे काम करना सिर्फ एक सोशल कॉज नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन या फेमिनिज्म का इशू नहीं है, ये कमर्शियल रीज़न है. बिकॉज आपकी जो कस्टमर बेस है या आपकी जो क्लाइंटेल है वो औरत और मर्द दोनों हैं. इनफैक्ट औरतों की जो बाइंग पावर है मर्दों से ज्यादा है, क्योंकि वो घर चला रही होती हैं. सो इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, आपने ये कैंडल बेचनी है, तो उस तरफ अगर औरत है तो इस तरफ एक औरत भी समझ सकती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा और उसको आप किस तरह इंसेंटिवाइज कर सकते हो. तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस तरफ चेंज हो रहा है कि इट्स एक्चुअली अ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक केस. तो इसलिए अब ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करो या पे गैप्स की बात करो वो क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक CSR का काम नहीं रह गया, एक चैरिटी का काम नहीं रह गया, ये एक एक्चुअल कमर्शियल कॉज है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फोकस ऑन अगर वो प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं तो आज की दुनिया में. ठीक हो गया. अच्छा फैजा, अभी आपने कहा कि फेमिनिज्म, आपने एक टर्म यूज़ की, अभी भी आजकल हम देखते हैं बहुत सारी जो खवातीन हैं अगर बात करती हैं ज़्यादा हक में तो एक फेमिनिस्ट होने का टैग लगा दिया जाता है, या बहुत से मर्द हज़रात भी, तो ये जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है इसने कितनी डिस्टर्बेंस की है बहुत सारे मामलों को आगे जाने में, ये मैं ज़रूर छेड़ना चाहूँगी. वेल ओके, सो आई लोग अक्सर मुझे मेरे सारी बात होती है, जब मैं बात करती हूँ ना, आई स्टैंड फॉर वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है, इन माई वर्क, इन माई लाइफ एज अ वुमन आई स्टैंड फॉर वुमन एम्पावरमेंट. बट जब मैं बात करती हूँ ना वुमन एम्पावरमेंट की, वो बात है ह्यूमैनिटी की एम्पावरमेंट की. When I'm saying women empowerment means that men and women have to come together and work side by side as equals towards joint and mutual progression. I am not saying ki auraton ko aage leke jane ke liye mard bure hain, mardon ko niche karo, mardon ko dabao. I am not saying ki matlab apni aur mardon ke kandhon pe khade hoke to aage progress karo. I am saying this is a progression of humanity because we have to coexist. Ye nature ka usool hai. Har cheez nature mein male female hai, har cheez coexist karti hai, isi tarah kudrat ka usool hai ye. तो मेरे लिए एम्पावरमेंट बहुत नेचुरल फिनोमेना है जिसमें बोथ द जेंडर्स हैव टू वर्क टुगेदर साइड बाय साइड. ये जो फेमिनिज्म का हो जाता है ना उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है बिकॉज वो कुछ और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, उसका मकसद ये हरगिज नहीं है कि मर्दों को नीचा दिखाया जाए, उसका मकसद ये है कि मर्दों को भी अपना प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाएं और औरतों को शाना बशाना डेवलप करें ताकि ह्यूमैनिटी कैन ग्रो, ताकि ह्यूमैनिटी इकोनॉमीज ग्रो, यू नो द कंट्री ग्रोस टुगेदर बिकॉज वी आर 50-50 एट द एंड ऑफ द डे. सो हाउ कैन अ नेशन प्रोग्रेस जब 50% आवाम को पीछे छोड़ देंगे. सो फॉर मी माई होल स्टैंड एंड बिलीव इन वुमन एम्पावरमेंट बहुत फर्क है फ्रॉम आप जो कन्वेंशनली सुनते हैं इन टर्म्स ऑफ फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट है ये और ये बात करिए खवातीन के मर्दों को. एट द एंड बैलेंस इज द की, आपको उस चीज़ बैलेंस इज द की. और हर इंसान के अंदर मैं कहती हूँ अपना टैलेंट है, अपना हुनर है. मर्द और औरत राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है और वो दोनों को कोएग्जिस्ट करना है टुवर्ड्स सक्सेस. आई एम नॉट सेइंग कि लेफ्ट ब्रेन को सक्सीड करो और राइट ब्रेन को पीछे कर दो. तो ये बहुत ये डिफरेंस इसको आइडेंटिफाई करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है बहुत सारे केसेस में. अच्छा अभी तक फैजा आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में खवातीन अपने मसाइल के बारे में बात करना या उनको अवेयर करना कितना किस हद तक उनकी एक कहले इम्प्रूवमेंट आई है उसमें कि वो अपने मसाइल के बारे में अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करती हैं खुलकर करती हैं. रीसेंट ईयर्स में आई सीन पर्सनली एक बहुत स्टार्क चेंज इन दिस बिकॉज अब मेरा ख्याल है कि बहुत ओपननेस आ गई है और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं. बहुत सारे डिफरेंट मूवमेंट्स UN ने भी इंट्रोड्यूस किए हैं जैसे मी टू मूवमेंट भी ऑब्वियसली अभी रिसेंटली भी काफ़ी इंसिडेंट्स हुए ग्लोबली भी पाकिस्तान में भी. तो आई थिंक रिसेंटली ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है वेयर बाय
औरतों को भी कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है कि बात करो, खुल के बात करो और हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो गवर्नमेंट्स हैं. लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम यूएन के हाई लेवल पैनल पे थे ना, तो वो सेक्रेटरी जनरल का हाई लेवल पैनल था एंड उसका मकसद था टू कम अप विद अ वुमन एम्पावरमेंट पॉलिसी फॉर ऑल द 180 यूएन मेंबर स्टेट्स. तो उसमें मेरे साथ क्रिस्टीन लगार्ड, जिम योंग, प्रेजिडेंट वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, ILO के मैनेजिंग डायरेक्टर, सारी ग्लोबल लीडरशिप थी. और हमने जब हमने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए कि किन किन स्टेक होल्डर्स को एक्टिवेट करना है टू अचीव द एजेंडा ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, उसमें गवर्नमेंट्स आई, उसमें प्राइवेट सेक्टर आया, सिविल सोसाइटी आई, एकेडेमिया आया, मीडिया आया. और एक चीज़ जो मैंने की, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि इंडिविजुअल, द रोल ऑफ द इंडिविजुअल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसके बारे में क्या, तो हमने एक्चुअली एक इंडिविजुअल को एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया कि ये सबसे ज़रूरी है. तो जितनी भी मूवमेंट्स हैं या जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपको अपनी आवाज़ टू रेज योर वॉइस और अपनी ओपिनियन देने के लिए या अपने कंसर्न शेयर करने के लिए, उसमें इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भर जाती है कि वो उस प्लेटफॉर्म को बहुत ऑथेंटिकली यूज़ करें और एक्चुअल पर्पस के लिए यूज़ करें, ना सिर्फ अपने किसी भी और पर्पस के लिए. तो आई थिंक प्लेटफॉर्म बहुत सारे आगे में हैं अब, और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मूवमेंट्स भी हैं टू फॉर वुमेन टू रेज देयर वॉइस. बट एट द एंड ऑफ द डे आप जितने भी आप चीज़ें आप पॉलिसीज कर दो, आप मूवमेंट्स कर दो, आप प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर दो, the onus of the responsibility lies within the woman. कि वो क्या एफर्ट डालती है अपने हर दिन में, आज के दिन में, कि वो क्या करेगी अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए. आप empowered हैं, no doubt. आप internationally पाकिस्तान को represent करती हैं. आपकी आपको empower करने में आपको किस किस की support रही? सबसे पहले आई वुड से मेरी फैमिली की सपोर्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगेन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान्स कॉन्टेक्स्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. मतलब आई नो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने हु हैड टू फाइट अगेंस्ट द फैमिली. और वो जो कहते हैं ना कि सबसे जो रहू फिश स्ट्रांग होती है अगेंस्ट द टाइड स्विम करती है, तो दैट इज़ ट्रू. लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट मिले तो ऑब्वियसली आप बहुत एक्सपेडाइटेड पेस पे ग्रो करते हो. तो आई थिंक इन माई जर्नी मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत क्रिटिकल रही. And then I think once I personally, and that's why मैं individual की बात बार बार करती हूँ, क्योंकि I started off my career very early in बहुत male dominated sectors. Energy company मैंने found की थी और बहुत male dominated sectors में I was a young CEO in the energy sector. So I used to be the only woman entering a room of 100 men, 500 men. तो एक तो being young, दूसरा a woman talking to men twice or thrice my age. So जब I myself kind of started supporting my own decisions and goals and realizing कि भाई मुझे as a professional आगे चलना है अपनी एज, अपने जेंडर को साइड पे करके, तो आई रियलाइज कि सबकी सपोर्ट आना शुरू हो जाती है. तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि यू आर गोइंग टू अचीव दिस गोल, यू आर गोइंग टू गो आउट देयर और आपने ये चीज़ें अचीव करनी है, और खुद ब खुद ही आप देखोगे किस तरह से सपोर्ट आपके आसपास आना शुरू हो जाती है. तो आई थिंक दैट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन अगेन. फिजा, एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों को आज के दिन के हवाले से. Well, एक तो ये कि इंटरनेशनल वुमेन डे एक दिन नहीं होता, हर दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. हम सबको एक अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करना है हर रोज़. और दूसरा ये कि अगेन गोइंग बैक टू द इंडिविजुअल, मेरा मैसेज यही होगा टू एवरी वुमन वॉचिंग दिस शो राइट नाउ, दैट बिलीव इन योर सेल्फ, आइडेंटिफाई अपने आप की स्ट्रेंथ के साथ. हम सब के पास सिर्फ एक जिंदगी है, मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड यू नो सेट योर चैलेंजेस, सेट योर टारगेट्स एंड अचीव देम एवरी डे, बिकॉज बींग अ वुमन is actually a strength. और ये बिल्कुल भी weakness नहीं है, ये एक strength है और हम सब के अंदर एक strength है. हमने सिर्फ इसको identify करना है और इसको use करना है. Lovely. Yes. Thank you very much, Fiza. बहुत शुक्रिया आपके आने का. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you so much. Wish you very best of luck. Thank you so much. नाब, आपकी मुलाकात हम इतनी कामयाब खवातीन से करवा रहे हैं जो इतना जबरदस्त काम कर रही हैं. मजीद भी खवातीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए जागो लाहौर.